आदाब नाजरीन, एस वाई एस चैनल में आपका इस्तकबाल है। मरकजी वजीर दाखला श्री अमित शाह ने तेलंगाना के दौरे के मौके पर तेलंगाना के इज्जत माप चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आइए दिखाते हैं अमित शाह ने अपनी तकरीर में चंद्रशेखर राव को क्या कहा। माताओं, भाइयों, बहनों, केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गाड़ी है ना, गाड़ी है ना, निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग, इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं, पूरा देश जानता है, सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ, क्यों नहीं बनाया है? आप तो नहीं मना बताओगे, मैं बताता हूं। वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है।